हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। बेहद खूबसूरत पौधा लेकर आई हूँ और ये है नस्ट्रीशियम का प्लांट, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये ख़ास तौर से सर्दियों में फ्लावरिंग करता है। वैसे तो ये गर्मियों में भी अप्रैल मई तक अच्छी फ्लावरिंग करेगा, अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तो आज जो बात करेंगे, इसकी देखभाल कैसे करते हैं और साथ में होममेड फर्टिलाइज़र और साथ में केमिकल फर्टिलाइज़र, जिसके डालने के बाद आपके प्लांट में भी बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। तो यही प्लांट वीडियो टॉपिक है। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है नस्ट्रीशियम का प्लांट। ये सनलाइट लविंग प्लांट है। इसे 3 से 4 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में इस पौधे को ना रखें, वरना इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत जल्दी जल जाएंगी और आपका प्लांट जलकर ख़राब हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसको बहुत ज़्यादा धूप ना दिखाएं। किसी भी प्लांटर पॉट में आप लगाएं तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि ड्रेनेज होल अच्छा बना हो। इसके अलावा जो मिट्टी तैयार करते हैं वो हल्की मिट्टी हो, जैसे कि हम लोग इंडोर प्लांट के लिए तैयार करते हैं, एक हिस्सा मिट्टी के साथ वर्मी कंपोस्ट एक हिस्सा मिलाते हैं, एक हिस्सा आप उसमें चाहे तो कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट नहीं है तो उसकी जगह में आप सैंड, बालू, बजरी, रेत भी जिसको बोलते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन घर वर बनाने के काम में भी आता है, तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। मिलाने का यही जो मिलाना होता है, इसी पर्पस से मिलाना होता है, इस पर्पस से कि मिट्टी जो है हल्की हो, पानी देने के बाद जमी ना रहे इसकी जड़ों में, नहीं तो पानी ज़्यादा जमा रहता है तो प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप रेत डालते हैं तो रेत से पानी बहुत आसानी से ड्रेनेज होल से नीचे से निकल आता है, इसलिए रेत मिलाएं। रेत नहीं है तो उसकी जगह में आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, जो कि ऑनलाइन और किसी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें पानी की। तो इसकी मिट्टी को कभी सूखने ना दें। ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली साइड में ही रहे, हल्की मॉइस्चर जो है पानी में हल्का मॉइस्चर बना रहे। इसके अलावा बात करते हैं खाद की, फर्टिलाइज़र जो कि होममेड है, तो वो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसमें आलू जब हम लोग घर में काटते हैं तो उसको एक बार ज़रूर धोते हैं, 1 से 2 बार। धोने के बाद उसका जो पानी बचा होता है उस पानी को आप इसके मिट्टी में डालें, जिससे कि इसको पोटेशियम मिलेगा। अच्छे आलू में पोटेशियम होता है और ये आलू इसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोटाशियम। पोटाश भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटाश भी मिलता है जो हल्के लाल रंग का होता है, ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है पोटाश। वो भी आप अगर 10 इंच के गमले में लगा रखा है आपने तो वो 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके, 1 चम्मच डालें और फिर पानी ज़रूर डाल दें, तो इससे भी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसमें। और बनाना पील जो कि केले का छिलका होता है, केले के छिलके को काट के 1.5 लीटर पानी में आप मिला लें और 1-2 दिन तक छोड़ दें, फिर उसी के पानी को छान कर इसकी मिट्टी में दिया करें, तो इससे भी इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। इसके अलावा इसमें आप जो खाद डाल सकते हैं फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट जो कि बहुत ईजिली मिल जाता है, और जो जनरली जो गार्डनर्स होते हैं, जो प्लांट लवर हैं, जिन्होंने प्लांट पौधे रखे हैं घर में, उनके पास तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद तो होती ही है, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई खाद नहीं है तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। बाकी आप घर में बना आलू के छिलकों का जो मैंने बताया पानी जो निकलता है धोने के बाद, वो वाला पानी आप इसमें डालें तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो ये दोनों चीज़ें भी आप डालते हैं, अगर वर्मी कंपोस्ट और आलू के छिलकों का पानी, तो उससे भी फ्लावरिंग अच्छी होगी आपके प्लांट में। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें एफिड्स जैसे कीड़े लग जाते हैं, जो कि इस तरह की पत्तियां हो जाती हैं। आप इस तरह की अगर अपने प्लांट की पत्तियां देखें तो समझ जाए कि आपके प्लांट में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एफिड्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उन पत्तियों को काट दें। और ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी ना दें प्लांट में, जिसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है प्लांट में, और फिर प्लांट जो है वो थोड़े थोड़े करके एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। और फ्लावरिंग ज़्यादा अगर आपके प्लांट में आपको लानी है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टिप बताती हूँ आप लोगों को। जो फ्लावर्स, जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, जो सूख गए हैं इस तरह से, उसको आप तोड़ के हटा लें, इस तरह से तोड़ के हटा लें आप,
तो यहाँ पे नई पत्तियाँ फिर से निकलना शुरू हो जाएंगी, और फिर जो यहाँ पे नई नई पत्तियाँ निकलेंगी उसमें भी नई नई कलियाँ बनेंगी, और फिर इसमें जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपका प्लांट इससे बहुत ज़्यादा बुशी भी हो जाएगा, घना भी हो जाएगा, और प्लांट जितना घना होगा उसमें ज़्यादा टहनी निकलेगी, ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे ज़्यादा, और बर्ड्स बहुत सारे आएंगे, फिर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।